शब्दों के जादूगर हिंदी सिनेमा के बेहतरीन लेखक और गीतकार जावेद अख्तर का आज जन्मदिन है। उनका जन्म 17 जनवरी 1945 को ग्वालियर में हुआ था। उनके पिता जान इसार अख्तर प्रसिद्ध शायर और माता सफिया अख्तर लेखिका थीं। जावेद साहब ने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत बतौर डायलॉग राइटर की। बाद में वो स्क्रिप्ट राइटर और गीतकार भी बने। जावेद अख्तर को 8 बार लिरिक्स के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए 5 बार नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। जावेद अख्तर का असली नाम जादू है। उनके इस नाम के पीछे भी एक खूबसूरत कहानी है। जावेद के पिता की कविता थी, लम्हा लम्हा किसी जादू का फसाना होगा से ही उनका ये नाम पड़ा। जावेद नाम जादू से काफी मिलता जुलता था, इसलिए उनका नाम जावेद रख दिया गया। जावेद अख्तर हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए 4 अक्टूबर 1964 को मुंबई आ गए। उस वक्त उनके पास ना खाने के पैसे थे, ना कहीं रहने को घर। कई रातें सड़कों पर बिताने के बाद उनको कमाल अमरोही के स्टूडियो में ठिकाना मिला। जावेद अख्तर के लिए बॉलीवुड में करियर बनाना आसान नहीं था। उनको अपने शुरुआती दिनों में काफी संघर्ष करना पड़ा था। एक बार जावेद साहब अपनी स्क्रिप्ट लेकर किसी प्रोड्यूसर के पास गए। प्रोड्यूसर को स्क्रिप्ट इतनी बुरी लगी कि उसने पन्ने जावेद साहब के मुंह पर मार दिए और कहा कि तुम जिंदगी में कभी लेखक नहीं बन सकते। बॉलीवुड को जावेद अख्तर ने बेहतरीन फिल्में दी हैं। सलीम खान के साथ उन्होंने काम कर नई ऊंचाइयों को छुआ। उनकी दोस्ती भी हिट रही। सलीम खान और जावेद को सलीम जावेद डायरेक्टर एमएस सागर ने बनाया। दरअसल एमएस सागर को कोई राइटर नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने दोनों को मौका दिया। सलीम खान और जावेद अख्तर की पहली मुलाकात सरहदी लुटेरा फिल्म की शूटिंग के दौरान हुई थी। इस फिल्म में जावेद क्लैपर बॉय थे और सलीम खान फिल्म के लीड हीरो थे। दोनों ने साथ में 24 फिल्में लिखी, जिनमें से 20 ब्लॉकबस्टर हिट रहीं। इनमें जंजीर, त्रिशूल, दोस्ताना, सागर, काला पत्थर, मशाल, मेरी जंग और मिस्टर इंडिया, दीवार, शोले जैसी फिल्में हैं। वहीं इन दोनों की जोड़ी ने राइटर्स को कम फीस देने के ट्रेंड को भी बदला। उस दौर में जब लेखक को हीरो से बहुत कम पैसे मिलते थे, इन दोनों ने फिल्म दोस्ताना में अमिताभ बच्चन से ज्यादा फीस ली थी। जावेद अख्तर की शादी अभिनेत्री शबाना आजमी से कैसे हुई, इसके पीछे भी एक दिलचस्प किस्सा है। दरअसल जावेद अख्तर की पहली पत्नी हनी है, जिनसे 2 बच्चे फरहान और जोया अख्तर हैं। 70 के दशक में जब जावेद अख्तर कैफी आजमी के यहाँ गीत संगीत सीखने जाते थे, इसी दौरान शबाना और जावेद के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। जब इस बात की खबर जावेद की पत्नी हनी को हुई तो दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। इसके बाद जावेद ने हनी से 1978 में अलग होने का फैसला किया, लेकिन इसके बारे में बच्चों को नहीं बताया। साल 1984 में हनी और जावेद का तलाक हो गया। हालांकि एक ओर जहां जावेद अख्तर शादी के लिए तैयार थे, तो वहीं शबाना आजमी के पिता कैफी आजमी इस रिश्ते को लेकर तैयार नहीं थे। कैफी को लगता था कि शबाना के चलते ही हनी और जावेद का रिश्ता टूट गया। हालांकि शबाना ने पिता कैफी आजमी को यकीन दिलाया कि जावेद और हनी का रिश्ता उनकी वजह से नहीं खत्म हुआ, जिसके बाद कैफी आजमी ने शबाना आजमी को जावेद अख्तर के साथ शादी करने की इजाजत दे दी। अमर उजाला.com